तो स्टूडेंट्स, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 3D फिगर। ठीक है, इससे पहले हमने दो क्लास कर ली है, दोनों ही क्लास में इंट्रोडक्शन ही चल रहा था और ये लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है। 3D फिगर में हम जो सबसे पहले जो फिगर पढ़ेंगे वो होता है क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड को हिंदी में बोला जाता है घनाभ। देखिए इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, ये रेक्टेंगल एक, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह की इसकी शेप होती है क्यूबॉइड की। इसमें छः फेस होते हैं, सिक्स फेस है और सिक्स के सिक्स फेस रेक्टेंगुलर है। इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है ना, ये बॉक्स कुछ इसी तरह का है। इसमें देख लेना, देखो जो भी 3D फिगर, ये जो हम क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं, इसके अंदर तीन डायमेंशन होती है। सबसे पहली डायमेंशन होती है लेंथ, ठीक है, इसको बोलते हैं लंबाई, जो होता है ब्रेथ, ठीक है, चौड़ाई है, और ये इसकी हाइट होती है ऊंचाई। ठीक है, इसको एल से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर भी देखो, लेंथ है, इसकी ब्रेथ है ये वाली, ठीक है, और ये इसकी हाइट है, ऊंचाई है। लेकिन गाइस, अब मैं आपको इसके अंदर एरिया बताने जा रहा था, बट अब मैं एरिया से पहले आपको एरिया के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको एरिया दो तरह के होते हैं। 2D फिगर में तो एक ही तरह का था, बट 3D फिगर में दो तरह के एरिया है, तो उन सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारे सरफेस एरिया है, दो तरह के हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल। पहला होता है जिसको बोलते हैं कर्व्ड, या दूसरा नाम है इसका लेटरल, ठीक है, सरफेस एरिया। हिंदी में इसको बोलते हैं वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और दूसरा होता है कुल या टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके गाइस, अब समझिए इनमें फ़र्क क्या है, दोनों सरफेस एरिया के अंदर फ़र्क क्या है, कर्व्ड और लेटरल और कुल होते क्या है। देखिए, जैसे कि सपोज दैट ये मेरे पास एक शेप है क्यूबॉइड वाली, इसके अंदर मैं बात करूँ दोनों सरफेस एरिया की। देखो, किसी भी फिगर के सभी सरफेस का एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब जितने भी फेस है ना इसके पास, ये ऊपर का, इसके नीचे का, इसका ये वाला साइड का, और इसका ये वाला, और ये वाला फ्रंट का, बैक का, टोटल जितने भी उसमें फेस है, जितने भी उसमें सरफेस है, सब का एरिया को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, किसी भी शेप का टॉप और बॉटम को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम, जो एरिया आएगा ये साइड्स का जो एरिया है चारों तरफ का, उस एरिया को बोलते हैं लेटरल या कर्व सरफेस एरिया। अंडरस्टैंड, जैसे कि हमारे पास ये बेलन है, सिलेंडर है, इसके अंदर अगर मैं साइड की बात करूँ इसका, इसका नाम है कर्व या लेटरल सरफेस एरिया। अगर मैं स्टॉप और इस बॉटम को छोड़ दूँ, ठीक है, टॉप पे अभी तो कुछ नहीं है, बट मान लीजिए इस पर ये रखा है मेरे घर, ये कुछ इस तरह है, तो देखिए ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी सर्कल बन जाएगा, एक सर्कल ऊपर, एक सर्कल नीचे, इसको छोड़ के जो एरिया आएगा उसको बोल देंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स, वी कैन से कि साइड्स एरिया, साइड्स एरिया, ठीक है, तो साइड्स का जो एरिया होता है लेटरल या कर्व कहलाएगा। मतलब कि इसके अंदर हमें क्या करना है, किसी भी फिगर का टॉप एंड बॉटम को क्या करना है, छोड़ना है, टॉप एंड बॉटम को छोड़ना है। तो टॉप एंड बॉटम के एरिया को छोड़ देंगे तो जो बचेगा वो होगा लेटरल या कर्व। को टोटल क्या है इसके अंदर, क्या है इसमें, हमें लेटरल या कर्व तो लेना ही लेना है, और साथ साथ में टॉप भी लेना है और प्लस बॉटम भी लेना है, मतलब ऊपरी हिस्सा भी लेना है, निचला हिस्सा भी लेना है, और लेटरल भी लेना है, ठीक है ना, साइड्स का भी लेना है, नीचे का बॉटम का भी लेना है, और ऊपर का टॉप का भी लेना है। तो ये हो जाएगा टोटल, अगर हम साइड साइड्स का लेंगे तो हो जाएगा कर्व या लेटरल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी रूम की बात करूँ, तो रूम के अंदर जो जो हमारी शेप है रूम की होती है क्यूबॉइड या क्यूब जैसे, ठीक है, मोस्टली क्यूबॉइड जैसी होती है। अगर हम उसके अंदर लेटरल की बात करें तो उसमें चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है, फोर एरिया का जो वॉल्स, फोर वॉल्स का जो एरिया है उसको बोलते हैं लेटरल। अगर हम उसमें फ्लोर एंड उसकी सीलिंग को भी कंसिडर कर ले, टॉप एंड बॉटम को भी कंसिडर कर ले, तो जो टोटल एरिया आएगा उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा लेटरल एंड
कर्ण। अगर नहीं समझ आया तो आप बता सकते हो कमेंट में। तो अब मैं क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहा था। क्यूबॉइड के अंदर हम एरिया पढ़ेंगे। एरिया दो तरह के मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले मैं इसमें पढ़ाता हूँ आपको टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, मैं बार बार इतना बड़ा नहीं लिखने का, बस मैं कर्व सरफेस एरिया को तो मैं लिख सकता हूँ सी एस ए करके, ठीक है, या एल एस ए करके लिख सकता हूँ। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, टोटल को लिख दूंगा टोटल सरफेस एरिया टी एस ए। ओके, आप समझ जाना। तो मैं सबसे पहले आपको टोटल सरफेस एरिया बता रहा हूँ, टी एस ए हिंदी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होगा कैसे, देखो, तो जो भी आपके पास क्यूबॉइड है इसके जितने भी सरफेस है, को कितने सरफेस है, छः, एक सामने वाला, एक पीछे वाला, एक ये साइड वाला, एक ही दूसरा साइड वाला, एक नीचे का, एक ऊपर का, उन सभी का अगर आप एरिया निकाल दोगे तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, तो हम एक एक करके सभी फेस का एरिया निकालते हैं। सबसे पहले देखो मैं फ्रंट का निकाल ले, फ्रंट का नहीं, मैं नीचे का निकाल लेता हूँ, इसका बॉटम का, ठीक है। तो देखो जो बॉटम है इसकी, इसकी जितने भी फेस है ना सारे रेक्टेंगुलर शेप में है, मैंने बताया आपको सारे रेक्टेंगुलर है। देखो निचले वाले में क्या दिख रहा है, एल इंटू बी, ठीक है, एल बी दिख रहा है। अगर मैं इसका एरिया निकालना है मुझको तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा एरिया जाएगा, तो एरिया जाएगा एल इंटू बी, ठीक है, निचले वाले का। अब देखो जैसा नीचे है सेम टू सेम ऐसा ही ऊपर भी है, उसमें भी एल एंड बी है, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें भी ऐसे ही कर दूंगा, क्योंकि ये भी देखो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ठीक है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, तो सेम टू सेम ऊपर का भी एक जैसा ही है, तो इसका भी एल इंटू बी आएगा, तो दो एल इंटू बी हो जाएंगे, इसलिए मैं टू से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। प्लस अब मैं ले लेता हूँ साइड्स का, ले लेता हूँ, देखो साइड्स में क्या है, ब्रेथ एंड हाइट। देखो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊँ आपको ऐसे, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो इसका एरिया कैसा निकलेगा, वही जो पड़ोस की जो साइड्स है इनकी मल्टीप्लाई कर दो आप, बी की एच में कर दो तो बी इंटू एच जाएगा, दिख दिया मैंने। और क्योंकि देखो जो जितना जो एरिया यहाँ पर है सेम टू सेम, ये इधर भी है, ये भी सेम साइड्स, सेम ही चीज़ है ना, तो से एक ही हो जाएगी, एक ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएंगे, दो, टू इंटू बी एच हो जाएगा। अब आप देख लीजिए फ्रंट का, देखो एल एंड ये क्या है एच, ये लेंथ है, ये हाइट है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, लेंथ की हाइट में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी आ जाएगा, तो लेंथ हाइट कर दूंगा मल्टीप्लाई तो हो जाएगा हाइट इंटू लेंथ, ठीक है, क्योंकि जो सामने है सेम टू सेम पीछे भी है ये वाला, ठीक है। अगर मैं इसमें भी ऐसे ही करूँगा एच इन ट्वेल्व तो दो हो जाएंगे, एक सामने का एक पीछे का, इसलिए मैं यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों का ही निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सभी सरफेस का मैंने एरिया को जोड़ रहा हूँ जिससे टोटल निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा देख लीजिए, क्योंकि टू सब में कॉमन है तो मैं टू कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर बचेगा एल बी, यहाँ पर बचेगा बी एच, यहाँ पर बचेगा एच एल, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, गोलाब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई करके हम ये फॉर्मूला प्राप्त कर लेंगे। तो जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है वो है, सेकंड फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक्चुअली मैं तुम्हें बता देता हूँ, काफ़ी बच्चे जानते हैं बट फिर भी मुझे बताना होगा कि दो नाम है इसमें, देखो लेटरल एंड कर्व, ठीक है। मतलब तो मैंने बता दिया तुम्हें कि साइड्स का एरिया, बट इनमें भी डिफरेंस है कर्व एंड लेटरल के अंदर भी। अगर मैं देखो मतलब दोनों का एक ही है साइड्स का एरिया, बट ये दोनों वर्ड्स अलग अलग फिगर के लिए यूज़ होते हैं। कर्व जो यूज़ होता है वो उन सरफेस के लिए यूज़ होता है जो घुमावदार है, कर्वड है, ठीक है, जिनमें गोलाई है, घुमाव है, ठीक है। लेटरल उनमें यूज़ होता है जिनकी सरफेस प्लेन है, ठीक है। एक्चुअल मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो सरफेस होती है ना दो तरह की सरफेस होती है, पृष्ठ दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्लेन, एक होता है कर्व, ठीक है। प्लेन मतलब देखो ऐसे स्ट्रेट ऐसे, ठीक है, और कर्व होता है ऐसे, ऐसे कोई चीज़ ऐसे गोलाई में हो, घुमावदार, अगर किसी में भी हाथ आप स्मूथली ऐसे डाल ले हो तो वो हो गया प्लेन, अगर किसी में भी ऐसे 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 करके जा रहा है हाथ आपका तो हो जाएगा कर्व, ठीक है। तो जो ये वर्ड है कर्व सरफेस एरिया यूज़ होगा ऐसी शेप के अंदर जिसके अंदर घुमाव हो, जैसे कि आपका सिलेंडर कॉन, ठीक है। अगर मैं लेटरल की बात करूँ ये उनमें यूज़ होगा जिनकी सरफेस है ना वो प्लेन, ठीक है, जैसे कि क्यूबॉइड, क्यूब। अब मैं यहाँ पर मैं खनाब की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें टोटल यहाँ पे आना चाहिए था लेटरल सरफेस एरिया, ओके, तो इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर एल आएगा, लेटरल सरफेस एरिया हिंदी में पाशा, ठीक है। तो
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, टॉप एंड बॉटम को छोड़ना है, क्योंकि मैंने बताया था लेटरल सरफेस एरिया क्या है। लेटरल सरफेस एरिया ऐसा है जिसमें आप टॉप एंड बॉटम को छोड़ोगे, सिर्फ साइड्स का ही रह लोगे। अब देख लीजिए साइड्स में क्या क्या है, साइड्स में क्या है, देखो ब्रेथ हाइट, ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एरिया ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। कितनी ब्रेथ हाइट है, देखो एक 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 तो शेप यहाँ पर ये वाली सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर जाएगा टू। अब देखो फ्रंट भी लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो फ्रंट में क्या है, हाइट है लेंथ है, तो हाइट एंड लेंथ हो जाएगा एच इंटू एल। तो देख लीजिए टू कॉमन निकल जाएगा, तो हो जाएगा बी एच प्लस एच एल। ये हो जाएगा आपका एरिया, किसका, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब आप इस फॉर्मूले को इससे भी निकाल सकते थे, जो मेन फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। क्या करना था आपको, आपको लेटरल तो निकालना है, तो आपको क्या करना है, टॉप एंड बॉटम छोड़ना है। अब ये देखो टॉप एंड बॉटम में कौन कौन से डायमेंशन है, देखो टॉप बॉटम के अंदर लेंथ और क्या है ब्रेथ, तो आपको लेंथ ब्रेथ छोड़नी है। टॉप में देखो यहाँ भी लेंथ और ये ब्रेथ, तो लेंथ ब्रेथ छोड़नी है। तो इस फॉर्मूले से मैं लेंथ ब्रेथ हटा दूंगा, तो बचेगा टू बी एच प्लस एच एल। देखिए यहाँ पर ये भी यहाँ पर ऐसा ही है, टू बी एच प्लस एच एल, ओके। तो इसका जो अगर हमें इसमें चाहूँ एच भी कॉमन ले सकता हूँ, तो बन जाएगा टू, फिर यहाँ पर एच कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बी बचेगा, यहाँ पर एल बचेगा। तो बस मैं एल को पहले लिख देता हूँ, बी को बाद में, तो एल प्लस बी हो जाएगा और एच बाहर कॉमन आ गया इधर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा फाइनल, टू एल बी प्लस इंटू एच, ओके। लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब मैं आपको इसका वॉल्यूम भी बता देता हूँ, जिसका वॉल्यूम होता है, इसको आयतन बोलते हैं, वो होता है एक्चुअल में जो वॉल्यूम है ना, मैं आपको वॉल्यूम के बारे में और एक अच्छा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वॉल्यूम अगर आपको कभी भी निकालना हो, ठीक है, फॉर्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट उन फिगर में अप्लाई होगा जिनकी टॉप एंड बॉटम सेम हो, जिनकी टॉप बॉटम सेम हो तो उनमें यूज़ हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ सिलेंडर की, सिलेंडर के अंदर क्या है, टॉप एंड बॉटम सेम है, दोनों सर्कल है, सेम सेम सर्कल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कोन की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कोन की, जैसे सपोज करो मैं कोन बना देता हूँ यहाँ पर, ये देखो इसके अंदर बॉटम में तो क्या है, सर्कल, और टॉप पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पॉइंट है, तो इसकी टॉप एंड बॉटम सेम नहीं है। तो जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा आपको वॉल्यूम का, ये इसमें यूज़ नहीं होगा, ये यूज़ होगा उनमें जिसके अंदर टॉप बॉटम सेम हो। जैसे कि क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में देखो टॉप बॉटम सेम, क्यूब में भी टॉप बॉटम सेम होता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ क्या है, ये है, अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो आपको क्या करना है, जो भी आप शेप है आपके पास, फिगर है, उसमें क्या करो, बॉटम का एरिया निकाल लो और इंटू कर दो हाइट से, जो भी हाइट है, ठीक है, तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। जो बॉटम का एरिया है उसकी मल्टीप्लाई हाइट से कर दो, तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा किसी भी फिगर का। बस फिगर ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर टॉप एंड बॉटम सेम हो, ओके। तो देख लेते हैं इसका जो वॉल्यूम बनेगा क्यूबॉइड का, देख लेते हैं बॉटम एरिया, बॉटम एरिया क्या होता है क्यूबॉइड के अंदर, क्यूबॉइड में बॉटम एरिया क्या है, देखो बॉटम कहाँ है, ये रहा बॉटम नीचे, ये रहा क्या है इसका एरिया, लेंथ की इंटू ब्रेथ में कर दूंगा तो एरिया निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू पी, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी हाइट से, हाइट को कैसे लिखते हैं, एच से। तो जो इसका फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, वो बन जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, आप फुल लिख लेना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके। अब हम चलते हैं दूसरी फिगर जिसका नाम है क्यूब, ठीक है। क्यूब देखो जो हम बात करें क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड बना था रेक्टेंगल से, लेकिन जो हमारा क्यूब है ये बनेगा क्यूब उस स्क्वायर से, ठीक है। इसके अंदर हर फेस पे स्क्वायर होता है, देखिए सबसे पहली बात, क्यूब एक ऐसी शेप है जिसके अंदर सभी फेस सेम होते हैं, सभी के सभी एक जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ डाइस, लूडो का डाइस, ओके, और जो कलर मैच करने का आता है क्यूब, वो भी सेम ऐसा ही है। अगर मैं इसकी साइड्स की बात करूँ, इसकी डायमेंशन की बात करूँ, क्यूबॉइड के अंदर डायमेंशन थी तीन, लेंथ ब्रेथ हाइट, बट इसमें सभी सेम है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, इसकी डायमेंशन को साइड करके बोलेंगे, साइड साइड साइड, ठीक है। और या इसका दूसरा नाम हो सकता है एज, ठीक है, एज भी हम इसको बोल देते हैं, और हिंदी में किनारा या भुजा, ठीक है, इंग्लिश में साइड या एज, और हिंदी में किनारा या भुजा इसकी इसको बोलते हैं, और लिखते हैं इसको एस, ठीक है, इसमें स्मॉल एस इसकी साइड्स को लिखते हैं। तो इसके भी हम एरिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको टोटल सरफेस एरिया बताता हूँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है इसका, क्या करना है आपको, करना क्या है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, इसके सभी फेस, जितने भी फेस है इसके क्यूब के, उसका एरिया निकालने का है। इसके कितने फेस है, सिक्स फेस है इसके, ठीक है ना, क्यूब के कितने फेस है, सिक्स,
उसके सभी एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं एक का एरिया निकाल लेता हूँ, एक फेस का। सपोज करो मैं इसका एरिया निकाल रहा हूँ, देखो इसकी क्या क्या नाम है इस डायमेंशन का, साइड। इसका भी क्या नाम है, साइड। तो साइड की अगर मैं साइड में कर दूँ तो इसका एरिया निकल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको किसी भी रेक्टेंगल या रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो बस जो पड़ोस के दो साइड है उनकी मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एरिया निकल जाएगा। तो जब मैं साइड की साइड में करूँगा तो साइड इंटू साइड एरिया जाएगा। अब देखिए, क्योंकि ऐसे ऐसे जो फेस है वो कितने हैं, छः, सिक्स फेस है। अगर मुझे सिक्स का निकालना है, टोटल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सिक्स से मल्टीप्लाई कर दूँगा यहाँ पर, तो सभी के सभी फेस का एरिया जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइड की साइड में करेंगे तो सिक्स इंटू साइड स्क्वायर आ जाएगा। हिंदी में लिख देंगे इसको सिक्स इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि हमने साइड और भुजा, साइड हो या भुजा, उसको ए से डिनोट किया था, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिक्स ए स्क्वायर। इसका जो फाइनल रनर फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूबॉइड का, सॉरी क्यूब का, वो आ जाएगा सिक्स ए स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात कर लेता हूँ, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो होगा इसकी साइड्स का एरिया। साइड्स का एरिया देखो, आपको पता है साइड्स में कितने फेस है, फोर। हमें क्या करना होता है लेटरल के अंदर, टॉप और बॉटम छोड़ना है। टॉप और बॉटम को छोड़ दूंगा तो मैं कितने फेस बचेंगे, चार बचेंगे, क्योंकि टोटल होते हैं सिक्स, दो छोड़ देंगे तो चार बचेंगे। तो अगर मुझे चार का निकालना हो तो क्या करूँगा, सिक्स का निकालना था तो सिक्स ए स्क्वायर, फोर का निकालना है तो फोर ए स्क्वायर, सिक्स की जगह फोर आ जाएगा। बस लेटरल सरफेस एरिया में ये है, ठीक है, फोर ए स्क्वायर या फोर ए साइड स्क्वायर। अब इसकी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, जो इसका वॉल्यूम होगा वो होगा क्या, मैंने बताया था क्या करना होता है, बॉटम का एरिया निकालो। बॉटम का एरिया क्या है, ए इंटू ए, मतलब साइड इंटू साइड, और हाइट क्या है, हाइट भी साइड है, तो साइड, तो कितनी साइड हो जाएगी, तीन, तो साइड की क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हिंदी में भुजा की क्यूब या किनारा का क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, एक ही क्यूब। तो आपको ये तीन फॉर्मूले मैंने बताए। तीसरी जो हमारी फिगर है वो है सिलेंडर या बेलन, ठीक है। सिलेंडर क्या है, देखो सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये सर्कल है, दो इन सर्कल से अगर मैं इन सर्कल की कुछ हाइट दे दूँ, इन दो सर्कल की कुछ हाइट पे ना बना दूँ मैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, सिलेंडर। एग्जांपल आपके सामने था ही है, ठीक है, देखो ऊपर भी सर्कल है और नीचे भी सर्कल है, और इनकी कुछ ना कुछ हाइट है या ऊंचाई है, तो ये हो गया हमारा सिलेंडर या बेलन, ठीक है। सिलेंडर पे क्या होता है, दो टॉप और बॉटम पे क्या होते हैं, दो सर्कल होते हैं, इन सर्कल को बोल देते हैं बेस या आधार। सर्कल के सेंटर से इसके किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रेडियस कहलाएगी आर, और ये भी रेडियस आर, हिंदी में त्रिज्या। इन दो सेंटर्स को मिलाने वाली जो है हाइट है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइट ही बोलते हैं हाइट। और क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है रेडियस के ऊपर, ठीक है, एक्चुअल में क्या है, देखो ये दोनों सर्कल है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, ऐसे नहीं है कि ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं, किसी एंगल पे झुका हुआ है ना, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, बिल्कुल 90 डिग्री पे, एक के ऊपर एक। इसलिए इसका पूरा नाम होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर लंब वर्तीय बेलन, इसका पूरा नाम होता है लंब वर्तीय बेलन, ठीक है। और इसकी अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेलन की, ठीक, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कर्व सरफेस एरिया क्या है बेलन का, साइड्स का एरिया, टॉप एंड बॉटम को छोड़ के जो एरिया बच रहा है साइड्स का, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। इसको हम ड्राइव करना बता सकता हूँ आपको, इसे कैसे ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिलेंडर है, देखिए आपके पास सिलेंडर कुछ इस तरह का होता है ना, ठीक है, सिलेंडर ऐसा ही होता है। अब देखो सिलेंडर का जो पार्श्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, साइड्स वाला जो एरिया है, ठीक है, साइड्स का जो एरिया है, अगर मैं क्या करूँ, देखो इस सिलेंडर को ओपन कर दूँ तो क्या एक रेक्टेंगुलर शेप नहीं बना रहा है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर शेप बना रहा है। लेकिन जैसे इसको मैंने फोल्ड करा कुछ इस तरह कि सिलेंडर बन जाए, तो फिर ये सिलेंडर बन गया, और सिलेंडर का कौन सा एरिया बन गया, ये वक्र, देखो ना, ये अगर ऐसे पड़ा है तो रेक्टेंगल है, लेकिन इसको मैं फोल्ड कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह गोलाई में आ जाएगा, और गोलाई पे आने पर ये इसका कौन सा एरिया काम करेगा, वक्र का, करोड़ का काम करेगा, मतलब कि साइड्स का एरिया बनाएगा। अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो, देखो आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ, ठीक है, क्या होता है, लेंथ